शहबाज शरीफ को एनआरओ मांगते देखा और सुना शेख रशीद का बड़ा दावा, बोले कि जो मर्जी कर ले एनआरओ नहीं मिलेगा, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में आ रहा हूँ, रोक सको तो रोक लो, दांत में दर्द और मोहरे हिल जाए तो समझ लो कि दाल में कुछ काला है। वजीर रेलवे शेख रशीद की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस, पीपल्स पार्टी पर भी लफ्जी ट्रेन चला दी, कहा कि बिलावल भुट्टो को मशवरा दिया कि भुट्टो बन जरदारी ना बन। आसिफ अली जरदारी ने बेनजीर की शहादत का सियासी फायदा उठाया, मिनी बजट से महंगाई का तूफान नहीं आएगा, डोनाल्ड ट्रंप के दौरे पाकिस्तान की भी पेशगोई कर दी। पैरागोन हाउसिंग स्कैंडल केस, ख्वाजा साद रफीक और सलमान रफीक के जिस्मानी रिमांड में 7 रोज की तौसी, एहतसाब अदालत का 26 जनवरी को दोबारा पेश करने का हुक्म, कोई भी खुफिया लेन देन नहीं, हर चीज का रिकॉर्ड मौजूद है, जिस्मानी रिमांड की जरूरत नहीं, ख्वाजा बरादरान के वकील अमजद परवेज के दलाइल। पेशी के बाद नैब टीम ने ख्वाजा बरादरान को नैब ऑफिस मुंतकिल कर दिया, अदालत के बाहर लीगी कारकुनान की ख्वाजा बरादरान के हक में नारेबाजी। हुकूमत बैसाखियों पर खड़ी है, बैसाखियां निकल गईं तो हुकूमत धड़म से नीचे आ गिरेगी, ख्वाजा सलमान रफीक के हुकूमत पर वार, बैसाखियां कौन निकालेगा सहाफी का सवाल, बैसाखियां निकालने के लिए हम जेल में हैं सलमान रफीक का जवाब, ऑपोजिशन के इत्तेहाद को भी खुश आइन करार दे दिया। रेस्क्यू 1122 में मुबैना करप्शन, डीजी रेस्क्यू डॉक्टर रिजवान नसीर एंटी करप्शन में पेश, महकमे एंटी करप्शन ने रिजवान नसीर को मुबैना करप्शन के इल्जाम पर तलब किया था। काफ लीग से कोई इख्तलाफात नहीं, सूबाई वजीर अमार यासिर को चौधरी परवेज इलाही ने मना लिया, हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी, सूबाई वजीर इतलात फियाजुल हसन चौहान ने तसल्ली दे दी। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स तीसरे रोज भी सड़कों पर, सर्कुलर रोड पर एहतजाज नारेबाजी, गैर कानूनी चालान और मुकदमात का सिलसिला बंद न होना चाहिए, मुजाहिरीन, ट्रक ड्राइवर्स का शहर के दाखिली और खारजी रास्ते बंद करने का ऐलान, 3 रोज से शहर की मार्केट में सामान की तरसील मुअत्तल, कारोबार ठप होने पर ताजिर परेशान। खुदा का खौफ ना ही कानून का डर, दरिंदगी की इंतहा हो गई, मामू ही भांजी का कातिल निकला, लोहारी गेट में 9 साला बच्ची से ज्यादती और कत्ल केस का मुअम्मा हल हो गया, बच्ची का मामू तैमूर पुलिस तफ्तीश में मुजरिम करार, पुलिस ने जेरे हिरासत मुलजिम की गिरफ्तारी डाल दी, डीआईजी इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर इनाम वहीद की तस्दीक, आयशा के 5 साला भाई अब्दुल्ला ने भी मामू को कातिल करार दे दिया। दरोके वाला के करीब घर में बारूदी मवाद फटने से धमाका, इलाके में खौफ हिरास फैल गया, पुलिस की टीम मौका पर पहुंच गई, एक मुलजिम को हिरासत में ले लिया, घर में आतिशबाजी का सामान तैयार किया जाता था, पुलिस हुकाम। पंजाब हुकूमत ने मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के लिए पैसे डुबा लिए, सूबाई मालियाती वार्ड की मद में 68 करोड़ 80 लाख नहीं मिले, सूबाई हुकूमत महाना 4 करोड़ 30 लाख देने की पाबंद है। एफबीआर की ताबड़तोड़ कार्रवाइयां जारी, अल्फते स्टोर की 12 ब्रांचेस की मॉनिटरिंग का दूसरा रोज, हुसैन चौक ब्रांच में जुम्मे को 70 लाख, इलामा इकबाल ब्रांच में 35 लाख रुपए की सेल हुई, स्टोर इंतजामिया ने तमाम ब्रांचेस की महाना सेल 75 करोड़ रुपए जाहिर की, जराए। और ट्रैफिक वार्डन्स के लिए खुशखबरी, ट्रैफिक वार्डन्स का डेली अलाउंस 25%, राशन अलाउंस 200% बढ़ाने की तजवीज, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला फजील असगर ने समरी वजीराला को भिजवा दी।